हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी लाइफ जो है वो बहुत ही बिजी है। मतलब हम किसी को टाइम नहीं दे पाते अपने रिलेटिव्स को, अपने उन रिश्तों को जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस है। तो उससे रिलेटेड मेरी ये छोटी सी स्टोरी है, प्लीज़ सुनिएगा ज़रूर। और हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आई होप सब आप अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ जिसका टाइटल है 50 रुपये का नोट। और ये स्टोरी है एक बच्चे और उसके पिता की। एक पिता होता है, वो दफ्तर में पूरे दिन काम करके थका हारा अपने घर वापस पहुँचता है और उसका बेटा दरवाज़ा खोलता है और वो होता है 5 वर्ष का। तो दरवाज़ा खोलता है, पिता बोलते हैं, अरे तुम अभी तक जग रहे हो, तुम्हें तो सो जाना चाहिए, तुम्हारा सोने का टाइम है। तो बोलता है, नहीं पापा, मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना था, खाना खाना था, इसलिए मैं आपके लिए वेट कर रहा था। तो बोलते हैं, ठीक है। फिर बैठता है, फिर वो बोलने लगता है कि पापा आप ये बताइए, आप एक दिन में 1 घंटे का कितना लेते हैं, कितना कमा लेते हैं? तो उनके पापा बोलते हैं, ये कैसा बेतुका सवाल है। गुस्सा होते हैं और फिर चिल्लाने लगते हैं, बोलते प्लीज़ पापा बताइए, प्लीज़ पापा बताइए। तो उसके पापा उसे डांटते हैं, ज़ोर से चिल्ला देते हैं, और लेकिन उसकी ज़्यादा पूछने पे वो बता देते हैं 100 रुपये। तो वो अपने पापा से बोलता है, पापा क्या आप मुझे 50 रुपये उधार दे सकते हैं? तो उसके पापा बोलते हैं, अच्छा इसीलिए तुम पूछ रहे थे कितना मैं कमाता हूँ। तो उसको डांट देते हैं और वो बच्चा रोने लगता है और अपने रूम में बैठ जाता है। उसके पापा सोचते हैं कि इसने आज तक तो ऐसा कभी कुछ नहीं कहा, हो सकता है कोई उसकी दिक्कत हो जो मैं समझ ना पा रहा हूँ। रियलाइज़ करते हैं 1 घंटे बाद वो वापस अपने बच्चे के पास जाता है। रूम में लाइट बंद होती है, पूछते हैं कि बेटा तुम सो रहे हो? बोलता है नहीं, और फिर वो लाइट ऑन करके दोनों बात करते हैं। बच्चे को उनके पापा 50 रुपये का नोट देते हैं और वो बच्चा खुश हो जाता है और वो अपनी गुल्लक उठाता है, उसमें से भी कुछ जो सिक्के होते हैं उसके पास पहले से, वो उठा के गिनने लगता है और देखता है उसके 100 रुपये कम्प्लीट हो गए हैं। पापा को देता है, पापा ये लीजिए। और पापा बोलते हैं, ये तुम्हारे पास कैसे है? तो बोले, पापा मेरे पास पैसे थे, पूरे नहीं थे, मैंने आपसे उधार लिया, ये पूरे पैसे आप ले लीजिए और मुझे कल प्लीज़ अपना टाइम दे दीजिएगा, कल आप 1 घंटा जल्दी आ जाइएगा और मैं आपके साथ खाना खाना चाहता हूँ। तो फिर उसके पापा सोच में पड़ जाते हैं। तो बस यही मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमें सोच में ना पड़ना पड़े। हमारी अपनी जो बिज़ी लाइफ है, सबकी बिज़ी लाइफ है, सब अपनी लाइफ में इतने बिज़ी हो चुके हैं जिससे हम अपनी फैमिली और जो हमारे कुछ खास रिश्ते होते हैं, माँ बाप, जीवन साथी, बच्चे और कुछ मित्र जिनसे हम लोग कॉन्टैक्ट में नहीं रह पाते, बात नहीं कर पाते, समय नहीं निकाल पाते, तो उनके लिए भी हमें समय निकालना चाहिए। नहीं तो एक दिन सोचना पड़ेगा कि हमने छोटी मोटी चीज़ों को पाने के लिए इतने बड़े खास रिश्ते खो दिए हैं। तो प्लीज़ आप इस बारे में सोचिए और अपने लोगों के साथ टाइम स्पेंड करिए। और मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो ऐसे ही देखते रहिए। थैंक यू।